सॉर्टिंग एंड सर्चिंग इन एरेज। अब हम देखेंगे किसी एरे को कैसे सॉर्ट करते हैं और किसी एरे में किसी एलिमेंट को कैसे सर्च करते हैं। इसमें हम यूज करेंगे एरेज क्लास का। सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरेज, फिर इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट कंपेरेटर। एरेज डॉट सॉर्ट, अब यहां पे एरे पास कर देंगे। अब आउटपुट ले लेते हैं साउट, प्रोग्राम को रन करते हैं, आउटपुट कुछ इस टाइप का मिला। इसलिए इसको रन करने के लिए हमें एरे क्लास का यूज करना पड़ेगा, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग अब प्रोग्राम को रन करते हैं। अब ये एरे हमारा ओरिजिनल डाटा है। अब ये आफ्टर सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ है ए बी सी जी, जबकि ओरिजिनल डाटा क्या है सी ए जी बी। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सॉर्ट करना है उसके लिए हम कंपैरेटर ऑपरेटर का यूज करेंगे। एरेज डॉट सॉर्ट, अब सबसे पहले एरे पास करेंगे, कंपैरेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर। फिर आउटपुट ले लेते हैं इसका, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग फिर एरे का एरे को पास कर देंगे। अब प्रोग्राम को रन करते हैं, ये ओरिजिनल डाटा है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब हम देखेंगे किसी एलिमेंट को कैसे सर्च करते हैं। सर्च करने के लिए हम बाइनरी सर्च मेथड का यूज करेंगे। एरेज डॉट बाइनरी सर्च, यहां पर एरे को पास करेंगे कॉमा, सर्च करेंगे हम ए एलिमेंट को। अब इसका आउटपुट देखते हैं, आउटपुट हमें मिलेगा इंटीजर में और एरे का इंडेक्स नंबर। अब यदि पॉजिटिव में आता है इसका मतलब जो हमने सर्च किया था एरे में वो एलिमेंट है, और आउटपुट अगर नेगेटिव में आता है इसका मतलब है कि वो एलिमेंट उस एरे में उपलब्ध नहीं है। इस प्रोग्राम को रन करते हैं, अब आउटपुट में हमें जो है निगेटिव वैल्यू प्राप्त हुई जबकि हमारा एलिमेंट एरे में उपलब्ध है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि बाइनरी सर्च करने से पहले हमें एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना पड़ता है। इससे पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे,
फिर आउटपुट देखेंगे, नहीं तो आउटपुट हमेशा गलत आता है। अब यहाँ से हम डिसेंडिंग ऑर्डर के मिटा देंगे। अब आउटपुट देखते हैं, अब हमें आउटपुट प्राप्त हुआ 0, यानी ए जो है इंडेक्स नंबर 0 पे है। इसकी वैल्यू चेंज करते हैं, उदाहरण के लिए हम सी कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसको सर्च करते हैं, अब इसका आउटपुट आना चाहिए 0, 1, 2, यानी 2 नंबर इंडेक्स पे हमारा सी एलिमेंट है। प्रोग्राम को रन करते हैं, आउटपुट हमें मिला 2। अब ऐसा एलिमेंट सर्च करते हैं जो हमारे एरे में उपलब्ध नहीं है, डी। तो डी हमारे एरे में उपलब्ध नहीं है। अब इसका आउटपुट आएगा निगेटिव। रन करते हैं प्रोग्राम को, आउटपुट आए -4। अब ये थे एरे सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।